निकल जाता है। जैसे अभी भी मतलब एक्सीडेंट मेरा हो चुका है बाइक, ठीक तो ये वाला रियाला दोनों मिला के प्रॉब्लम है, फिनिश में प्रॉब्लम है, न्यू लगवाऊंगा। ठीक है, बस एक्सपीरियंस शोरूम का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था? हेलो भाई, मैं उमन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक ऑनरशिप रिव्यू R15 वर्जन 4 का अपने राहुल भाई के साथ। तो सबसे पहले बहुत बड़ा स्वागत है भैया जी। थैंक यू भाई, एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए। सो गाइज, मेरा नाम राहुल है और मैं टेक वीडियो बनाता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है टेक गुरु राहुल, आप लोग यहाँ पे देख लो। और फिलहाल मैं एक बाइक लिया था R15 वर्जन 4, सो बाइक का एक ऑनरशिप रिव्यू लेने के लिए मेरे को बुलाया, तो वीडियो को कंटिन्यू। थैंक यू। तो सबसे पहले राहुल, आप ये बताओ कि ये बाइक कितने के पड़ी? सो गाइज, बाइक ये मेरे को पड़ी थी 2,10,000, और अभी के बात करूँ तो अभी 2,16,000 इसका ऑन रोड प्राइस है इन कोडरमा ना। कैश में देके लिए थे या फिर डाउन पेमेंट? मैंने इसको फाइनेंस करवाया है 1,07,000 देके फाइनेंस करवाया था। थ्री ईयर का फाइनेंस है। ठीक है, अच्छा। इसके कंपैरिजन में बहुत सारा, जैसे कि बजाज का आरएस है, केटीएम वगैरह है, फिर R15 ही क्यों? देखो, सबसे पहली बात, R15 लेने का मेरा दो तीन रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि R15 में जो कि है माइलेज जो है काफी अच्छा एवरेज निकाल के देती है और काफी कम सीसी है, यानी कि आप केटीएम लेके जाओ तो ये रेंज में आपको केटीएम भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन मैंने केटीएम इसलिए नहीं लिया क्योंकि केटीएम का क्या है, एक तो उसमें माइलेज नहीं देता है, दूसरी बात ये बाइक का लुक जगह वो बाइक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बाकी भाई लोग को लगता है वो अलग बात है, किसी का KTM शौक रहता है वो तो शौक रहता है, मेरा हमेशा ड्रीम था R15। और इसका 155 सीसी का इंजन है, बट KTM के कंपैरिजन में ये भी उसके कंपैरिजन में कम नहीं है, मैंने देखा हूँ। ठीक है, बाकी KTM 390 वगैरह वो सबको नहीं बोल सकता हूँ, बट गाइज काफी अच्छा बाइक है, आप भी अगर 200 सकते हो। और कम्फर्ट के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए मस्त है। ठीक है, अच्छा खासा माइलेज निकाल के देती है। अच्छा, ये बाइक कहाँ से खरीदे आप? बाइक मैंने यही कोडरमा से मैंने कैसे, खुद के पैसे कुछ काम करके या फिर यूट्यूब? सो गाइस, आप लोग को लाइव मिल ही रहा है कि मैं यूट्यूब का ही मनी से ये बाइक को परचेस किया हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं बनाते तो मैं नहीं ले पाता। ठीक है, ड्रीम था एक कि खुद के बल पे बाइक लूँ, तो यूट्यूब का ही मनी से ये बाइक को मैंने अफोर्ड किया है। ठीक है, कोई अभी तक प्रॉब्लम बाइक में? प्रॉब्लम तो अभी तक कुछ नहीं आई है, बट हाँ एक प्रॉब्लम मेरे को आती है इस बाइक में कि जब भी बाइक चलाता हूँ तो क्या होता है कि अगर कहीं ज़्यादा जर्किंग, अगर आप विलेज एरिया से हो तो क्या होता है कि गैस, जैसे कि ये इंडिकेटर है और ये, तो ये सब क्या होता है कि निकल जाता है। जैसे अभी भी मतलब कि फिट एंड फिनिश में प्रॉब्लम है, फिनिश में प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी बाइक एकदम मक्खन है। ठीक है, चलाओ, काफ़ी मज़ा आता है बाइक चलाने में। और थोड़ा ये बाइक जो भी अफोर्ड कर रहे हैं उसको गैस मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग इसको मैन, यानी कि आपके पास रोड का प्रेजेंट अच्छा रहना चाहिए, यानी कि जैसे कि विलेज में जो एरिया होता है, लाइक आपका रोड का जो उबड़ खाबड़ जो होता है गाइस, उस सब रोड में ये बाइक नहीं चल सकते है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी चीज़ इसमें आपका नट उट वगैरह ये सब स्क्रूप वगैरह ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपके एरिया में अगर अच्छा खासा रोड है तो आप लो, अच्छा बाइक है। कितने चला चुके हो अभी तक? अभी तक मैंने इसको 2400 चला चुका अराउंड। कितनी सर्विस हो चुकी है? फर्स्ट सर्विस हुआ है, सेकंड सर्विस। क्या एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट सर्विस का? एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, पहले के मुकाबले पहले से अच्छा चलता है बाइक। ठीक है, और पहले जब मैंने बाइक परचेस किया था उस टाइम में क्या था कि इस बाइक का जो भी स्पीड है और जो भी पावर है, पिकअप है, वो पहले से चेंज हो चुका है। जैसे फर्स्ट सर्विस में आपको मिल जाएगा आपको इसका पावर। इसका तो ट्रैक मोड तो अभी खुला नहीं होगा, सॉरी स्पोर्ट मोड तो अभी तो खुला नहीं होगा, वो तो थर्ड सर्विस के बाद खुलता है ना? उसके बाद ही खुलेगा। चलो बढ़िया। और बाकी मेंटेनेंस चार्ज क्या है इसका? मेंटेनेंस चार्ज पूरा नॉर्मल है गाइस। एक मेरे को यार फर्स्ट सर्विस जब मैंने करवाया था इसमें तो ज्यादा नहीं 625 रुपीज लगा था। ठीक है, और आप लोगों को क्या लगती है आपके पार्ट्स वगैरह का क्या कॉस्ट है? पार्ट्स वगैरह जैसे सपोज कहीं पार्ट्स वगैरह टूट जाए तो? नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप ये अगर जो रेड कलर का ये अगर टूट जाती है तो आपको 1700-1800 में मिल जाती है। ठीक है, बहुत नॉर्मल है गाइस, अगर मेंटेनेंस कराना चाहते हैं बहुत नॉर्मल है। ये सब पार्ट आपको ये दोनों मिलेगा। मेरा देखिए फर्स्ट एक्सीडेंट मेरा हो चुका है बाइक। ठीक है, बाइक यहाँ पे तो मैंने पता कर रहा था कि यार चलो कितना का है, मैंने चेंज करवाता हूँ। यार फाइनेंस तो मैंने करवाया है, बट मैंने सोचा कितना पड़ेगा तो बात किया था, तो ये वाला रियाला दोनों मिला के 2900 में मिल जा रहा था। ठीक है, सस्ता तो पूरा इजिली है, कोई बड़ा मेंटेनेंस इसमें लगता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बाइक को एक्सपोर्ट किया। और KTM वगैरह का बहुत ज्यादा उसमें प्राइस है। हाँ, उसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ज्यादा है, सर्विस भी जल्दी से कहीं ना मिलता नहीं।
अच्छा, ये लगाने का मेन मोटिव क्या था? ये लगाने का मेन मोटिव ये था कि यार लोग देखे तो बोले हाँ आ रहा है यूट्यूबर। सबसे मेन मोटिव ये था। और दूसरी बात कि रोड प्रेजेंट अच्छा मिलता है, कहीं बाइक अगर खड़ा कर दिया तो लोग देखते हैं कि कौन है यूट्यूब, लोग भी सब्सक्राइबर जुड़ते हैं इससे, और अच्छा लगता है मेरे को। ड्रीम था क्योंकि, और सबसे मेन मोटिव ये है कि इसी नाम से मैंने ये बाइक को परचेस किया। अगर ये नाम नहीं होता तो ये बाइक भी नहीं होता यहाँ पे। हाँ, ये मैटर तो है यहाँ पे, क्योंकि यार देखो जो चीज परचेस कर रहे हो उसका तो नाम सबसे बड़ा होता है, इसलिए मैंने इस बाइक में नाम दे दिया। ब्रेकिंग पावर वगैरह कैसा है बाइक का? ब्रेकिंग पावर बहुत ही मस्त है भाई, जहाँ आपका ब्रेकिंग पावर ना बहुत ही मस्त है, बोलो क्या बोलो। तब तो सही है। अच्छा, ये तुम तो एक बार मेरे को बताया था कि को तो तोड़ दिया था, फिर ये कैसे? वो तो थोड़ा बहुत गुस्सा आया होगा भाई, इतना गुस्सा लग रहा था, दिल में चोट लगता है। बताऊं यार, जब कोई अपना कुछ भी अगर अपने मन से अपना पावर पे कुछ खड़ा करता है ना, तो लोग के क्या होता है कि जलन पैदा होता है, ठीक है? तो लोग जलते हैं, जलना उसका काम है, मेरा काम है क्या करना, लोग जलते रह जाएंगे, मेरे को क्या, अगर फिर टूटेगा फिर नहीं लगवाऊंगा, ठीक है? बस पता चला था कौन तोड़ा था? पता चल गया वो कौन तोड़ा, वो पता चला। कोई बात नहीं, वैसे तो नंबर प्लेट इसी के पीछे है। नंबर प्लेट? हाँ। नंबर प्लेट कितना दिन में आया? नंबर प्लेट मेरे को अराउंड टू मंथ प्लस ही लग गया। तब सही है। और भाई आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, मेंटेनेंस चार्ज क्या है, सर्विस कैसा रहा। अच्छा, जिस टाइम आप डिलीवरी कर रहे थे इसको, उस टाइम का कैसा था एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस? उसके लिए आप वीडियो क्या चीज मतलब सर्विस एक्सपीरियंस, शोरूम का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, वो डिलीवरी कैसा दिए ये वगैरह वगैरह? बहुत ही बढ़िया दे रहे थे वहाँ पे। और चेकआउट करना चाहते हैं डिलीवरी, तो आप भाई लिंक डाल देगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर। हाँ, वैसे तो मैं साथ में ही था, पेपर वर्क वगैरह सब चीज साथ में ही हुआ था। अच्छा शोरूम बोला, अच्छा कोऑपरेट करते। तो भाई आई होप आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर राहुल भाई का भी चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो देख लो, ये भी सर्च कर लेना, बाकी इनका चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू भैया थोड़े नहीं, अपना ही एज का, तो थैंक यू भाई, आप अपना थोड़ा सा टाइम देकर आए मेरे पास और अपना ऑनरशिप रिव्यू दिए। तो ये बाइक कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता देना, और ये ऑनरशिप रिव्यू कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताना। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, बाय।